गेट लगा के क्यों नहीं आए भाई? क्या न्यू एक्टर को आउटसाइडर को फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिलता है? अभी आप लेटो ऐसा ऊपर फेस करके सोए हुए हो, हल्का सा उस तरफ साइड करके। क्या न्यू एक्टर को डायरेक्टली चांस मिल जाता है एक्टिंग सीखते सीखते? अरे इनको बाहर करो यार, ये कुछ रूप से आ रहा है, फ्रेम में आएगा। और आप नए हैं और आप एक सेलिब्रिटी स्टार के साथ काम कर रहे हैं भैया? क्या ये पॉसिबल है? यस बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है आज के ऑन लोकेशन वीडियो में आपको बताऊंगा। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका, अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। आज प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूं एक शॉर्ट फिल्म है, फादर्स डे। बहुत ही कमाल की फिल्म है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसको बनाने वाले जो लोग हैं वो भी फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन कमाल की फिल्म बनाई है। ऐसी स्टोरी ली है जिसको कि मुश्ताक खान सर ने हाँ किया, मतलब कि एक सेलिब्रिटी स्टार को उन्होंने मनाया अपनी शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए। उसके साथ साथ नए एक्टर्स भी हैं, तो नए एक्टर्स के पास भी ये मौका था कि वो एक बड़े स्टार के साथ स्क्रीन को शेयर करें। इसके साथ साथ टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो आपको देख कर सीखने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑन लोकेशन। अभिषेक अंदर जाके ये सिर्फ एक पैनल यहाँ वाला, कौन सा वाला? ये राइट वाला फर्स्ट पैनल बंद कर। तो ये शूट चल रहा है, हटा दे मिरर। तो डायरेक्टर समझा रहे हैं तरफ से आना सामने। फिल्म की खास बात है मुश्ताक जी जैसे सीनियर एक्टर हैं इसमें, और ये माहौल होता है शूट पे। तो ये लोकेशन पे सारी तैयारी चल रही है। गेट भी लगाओ, ये साइड वाला। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट प्रैक्टिकली फिल्म मेकिंग और एक्टिंग दोनों में सीखते हुए काम कर रहे हैं या काम करते हुए सीख रहे हैं। ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आप भी जानते हैं, किसी भी नए कलाकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब पृथ्वी फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट उनको मौका मिल रहा है सीनियर एक्टर के साथ काम करने का, और अभी वो अच्छा काम कर भी रहे हैं। आप देखेंगे मुश्ताक जी जितने बड़े कलाकार हैं उतने ही वो सहज हैं, हम्बल हैं, कितने आराम से वो शूट कर रहे हैं, कोई टेंटरम नहीं है। तो पृथ्वी को मौका मिला है तो वो छोड़ भी नहीं रहे हैं, पूरी तरह से बिलीव कर रहे हैं मुश्ताक जी को। कैसे करना है रोल, कैमरा। मुश्ताक जी भी देखिए कितनी सहजता से ले रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक नया स्टूडेंट है वो काम कर रहा है तो उसकी कैसे सुनना है, वो उसको एक फिल्म मेकर के तौर पर ही देख रहे हैं। अब ये शॉर्ट में डायलॉग तो नहीं है, लेकिन किसी भी शॉर्ट फिल्म के लिए जरूरी होता है एक टाइम ट्रांजिशन दिखाने के लिए। ये पूरा टाइमिंग का खेल होता है। मुश्ताक जी की एंट्री हुई डायरेक्टर के कमांड पे, और उसी मार्क पर उन्होंने लाके स्कूटर को रोका जहाँ पे उनको रोकने को कहा गया था कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से सामान निकाला था सामान निकाला। अब देखिए पूरा एक ब्रीफ होता है और उसको ऐसे करते हैं बिल्कुल नेचुरली, जैसे कि कोई एक आम आदमी अपने घर आता है सामान लेकर, बिल्कुल इसी तरह से करना होता है। और ये शॉट कम्प्लीट होगा दरवाज़ा बंद करने के साथ। अब उसी को दूसरे एंगल से लिया जा रहा है। अब देखिए कितना पेशेंस चाहिए होता है, नए एक्टर को सीखना चाहिए हमारे इन सीनियर एक्टरों से कि वो कितना पेशेंसफुली काम करते हैं, कि बार बार भी अगर शॉट देना पड़ रहा है तो वो दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तभी वो सीन इतने खूबसूरत बन पाते हैं। Yes. अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अंदर के जो शॉट होंगे वो, तो ये अभी प्रॉक्सी शूट करके समझा गया, मार्किंग समझी गई। ठीक है, बात कर अभिषेक, कुछ भी बात कर। हाँ ये ठीक है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, पॉजिटिव माहौल है। पृथ्वी तू थोड़ा सा, ये मार्किंग के लिए करा जा रहा है ताकि आर्टिस्ट को वहाँ पे प्लेस किया जाए। जब वो निकलेगा ना, तो इस तरह से जब मॉनिटर पर प्रैक्टिस होती है, कैमरा प्रैक्टिस होती है, तो इस तरह से ही होती है ताकि एक्टर को सब कुछ कंफर्म होने के बाद बुलाया जाए। वो जा रहे हैं जब बेडरूम की तरफ, ये टर्न कर पृथ्वी की तरफ, टर्न कर। ठीक है, ये डायलॉग यहाँ तक लास्ट वाले सारे ले लो अभिषेक। ये पूरी मार्किंग देख ली, बता देना ये मार्किंग, टर्न करके ये वाला यहाँ डायलॉग आएगा कि साहबजादे उठे या नहीं, हमारे उठाए बिना उठे क्या कभी। पृथ्वी तू समझा, दोनों को मार्क बताओ, पूरा डायलॉग लेंगे, पूरा उनका क्लोज खत्म करो इसमें।
ये मार्क लगाए जा रहे हैं। समझे मनीष भाई क्या है? तो कैमरा एक्टिंग कहीं ना कहीं टेक्निकल एक्टिंग भी है, आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिकली उसको सीखें। अब मुश्ताक जी को वो ब्रीफ कर रहे हैं कि कैसे उनको क्या क्या मूवमेंट करने हैं। अब देखिए एक एक चीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। रियली मैं मुश्ताक जी का पहले से भी फ़ैन हूँ और एज अ एक्टर एज अ पर्सन मैं उनको बहुत मानता भी हूँ। मेरी पहली फिल्म में भी थे ये, वाइफ है तो लाइफ है। मैं आप मुश्ताक जी को इस तरह से शूट करते हुए जब देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए, किस तरह से वो देखिए सुन रहे हैं उनको। ये नहीं कि नया लड़का है तो थोड़ी वो मस्ती भी कर रहे हैं लेकिन बहुत बहुत अच्छे से वो कॉपरेट कर रहे हैं। तो मुश्ताक जी के लिए तो एक लाइक बनता है इस वीडियो पर। तो उन्होंने थोड़ी मस्ती भी की कि इतना अच्छा समझाता है ना ये। तो ये सब माहौल रहता है, खुशनुमा माहौल रहता है और अपने मन माफिक काम करने का यही मज़ा भी है। तो उन्होंने वो पृथ्वी से जो कि असिस्टेंट का काम कर रहे हैं उनसे फिर से पूछा। तो ये सब पॉजिटिव माहौल बना रहता है। अब ये शॉट देखिए मॉनिटर जिसकी तैयारी चल रही थी। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में आप सारी बारीक चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपका भी मन करता है कि आपको पहला चांस मिले और आप भी किसी सेलिब्रिटी स्टार के साथ काम करें, प्रैक्टिकली काम करें, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर कॉल करें, पता करें कि आप कब से नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वो आउट ऑफ द फ्रेम हो गए। करेक्ट, डन, वेरी गुड। सर आपको पृथ्वी क्यों देगा वाइफ का? तो जो टाइमिंग चाहिए होता है वो टाइमिंग देना होता है, उसी तरह से काम होगा पूरा का पूरा। चलेगा, ठीक है, चलो। ओके, रेडी सर, रोल साउंड। अब फिर से मार्किंग और बाकी चीजें हो रही हैं। एक्शन। ये अगला शॉट है। जी बोलिए। तो एक नॉर्मल लाइफ में किस तरह से बातचीत करते हुए सारी एक्टिविटी होती है, एक्शन होते हैं, उस तरह का सीन है ये। एक बार आ, सौरभ आ गया सामने। हाँ वो नहीं कट रहे हो सर आप, एकदम क्लीन है अभी। नहीं नहीं, ओएस की जरूरत, ओएस नहीं भी ले रहे हैं, आपका ऐसे में भी क्लीन मिल रहा है। इसका हमें पासिंग मिलेगा ना, क्योंकि ये एग्जिट करेगा, माँ के पास आएगा, क्लोज आएगा, तो वो हम तब करेंगे। आ जाना, यही एंट्री ले लेंगे। उनके टेक्निकली समझना चाहा मुश्ताक जी ने कि कैसे शॉट होगा ताकि वो उस तरह से कैमरा को फेस करें और बाकी चीज़ें करें। अब ये दूसरा शॉट है। तो यहाँ पे डायरेक्टर बता रहे हैं कि किस तरह से आर्टिस्ट का प्लेसमेंट रहेगा। अब उठ के निकल जाएंगे, उठ के निकले, उन्होंने अपना चश्मा उठाया, चश्मा पहना, थोड़ा सा अपने आप को तैयार किया कि यार मैं बाहर के तैयार हूँ, मुश्किल हो जाऊंगा, ये देख ली। तो इस तरह से टेक्निकली बताया जाता है, रिहर्सल की जाती है ताकि आर्टिस्ट समझ पाए। ये नए लोगों के साथ भी होता है, पुराने लोगों को भी बताया जाता है।
क्योंकि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब देखिए जैसे डायरेक्टर ने बताया था अब वैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसा उनको बोला गया था कि चश्मा पहनते हैं और निकल जाते हैं उसी तरह से वो एग्जिट हुए। तो ये इस तरह से शूटिंग होती है। तो ये था हमारा आज का ऑन लोकेशन वीडियो। इस तरह के वीडियो आपको सिर्फ सिखाने और बताने के लिए और आपका वो जज्बा बरकरार रखने के लिए होते हैं, ताकि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पहले से ही घर बैठे जान लें, समझ लें, सीख लें, ताकि आने में आसानी हो और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। क्या इस तरह के वीडियो देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।